दोस्तों आप लोगों ने मिथुन फाइनेंस का नाम तो कई बार सुना ही होगा या हो सकता है कई सारे ब्रांचे आपने देखा होगा और कई बार आपने ऐड देखा होगा। ऐड में आपको हमेशा बताया जाता है कि भाई यहां से आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। जी हां, आप यहां पे गोल्ड लोन को ले सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप यहां से पर्सनल लोन भी ले सकते हो। पर्सनल लोन किस तरीके से ले सकते हो इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी को मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊं, उससे पहले यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सारी जानकारी आपके पास पहले से रहेगी ताकि आपको पहले पता रहे भाई मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, अप्लाई करना है नहीं करना है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात ये भी है, आप अगर यहां पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10-20-30,000 रुपए की है तो आप यहां पे लोन बिल्कुल मत लीजिएगा, शायद आपको यहां पे लोन बिल्कुल भी मिले है ना। क्योंकि यहां पे जो लोन की मिनिमम लिमिट है वो 50,000 रुपए से स्टार्टिंग होकर 10,00,000 रुपए तक आप यहां पे लोन ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, वहां से मैं आपको सारी जानकारी को शेयर करूंगा। इसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूं, जो आप लोन को अप्लाई करने वाले हो, ये लोन अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो आपका ऑनलाइन भी, एक तरीका आपका ऑफलाइन भी है। इसके अलावा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप चाहें तो इनके एप्लीकेशन से भी कर पाएंगे, आप चाहें तो वेबसाइट से कर पाएंगे। लेकिन एक अगर आप मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हो, सबसे सरल सबसे आसान तरीका रहेगा इनके एप्लीकेशन के माध्यम से करने का। हालांकि करने का तरीका दोनों का सेम ही है, लेकिन अगर आप मोबाइल से करने वाले तो इनके एप्लीकेशन से कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा वो सारी जानकारी आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि हम इनकी वेबसाइट पर आ चुके हैं और आप यहां पे देखेंगे कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और काफी पुरानी काफी भरोसेमंद कंपनी है। लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ताकि सारी चीजें क्लियर हो पाए कि भाई हम यहां पे इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यहां पे कई सारी चीजें और मैटर करें, जैसे सिविल वगैरह, उसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो भी आपकी बात बन जाएगी। अगर ओवरऑल बात करूं मैं तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक आधार कार्ड और एक आपके पास पैन कार्ड है तो आराम से जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सैलरी पर्सन, यानी कि अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो, उस केस में देखेंगे आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ की, या फिर आपके पास यहाँ पर इनकम टैक्स का जो आपका रिटर्न होता है फॉर्म 60, आप उसको दिखा सकते हो, या फिर कह सकते हैं अपना बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हो। अब वही बात करते हैं भाई, अगर आपका कोई बिजनेस है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयर हो, उस केस में देखेंगे आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपके पास ITR हो गया, इनकम प्रूफ हो गया, बिजनेस प्रूफ हो गया, इन तरह की जो भी चीजें हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं। तो आपको मैं पहली बार थोड़ा क्लियर करके चलना चाहूँ, यहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं कि 2-4% ही चांसेस होगा कि आपको सिविल के बेसिस पे लोन दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया कि भाई अगर आप एक सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हो, उस केसेस में आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तभी जाकर अप्लाई करिएगा। क्योंकि देखिए, वैसे बात और भी क्लियर करना चाहूंगा मैं आपको, जब यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि आप उसके लिए अगर एलिजिबल होते, सिर्फ एलिजिबल, भाई ये नहीं कह रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ सबको, सिर्फ एलिजिबल होते हो तो उस केस में क्या रहेगा कि इनकी तरफ से कॉल आती है जिसमें आपको सारी चीज़ आप डिस्कस कर सकते हो, मेरे पास इनकम प्रूफ है कि नहीं है, क्या सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि भाई ठीक है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अब यहाँ पर हम एक बार ये भी देख लेते हैं भाई, EMI कैलकुलेशन करके, अगर आप चाहो तो भाई कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि मैं कितने पैसे ले रहा हूँ, कितने समय तक के लिए ले रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 लाख रुपये डाली, भाई मुझे 3 लाख रुपये की जरूरत है और मैं यहाँ पर 36 महीने के लिए, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 24 महीने के लिए लेने वाला हूँ, मैं चलो 24 महीने कर देता हूँ, अब मैंने यहाँ पर 24 महीने के लिए ले लिया, तो आप यहाँ पर देखें मेरी जो हर महीने की EMI आएगी 14,122 रुपये आएगी। इस तरीके से कैलकुलेशन करके एक मोटा मोटा एक रफली आइडिया देख सकते हो भाई, मेरे कितनी EMI में पे कर सकता हूँ, कितने का लोन लूँ ताकि मेरे को वापस करने में आसानी रहे। ये चीज़ आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी देख पाओगे। देखो अभी तक हमने यहाँ पर लोन को अप्लाई नहीं किया, लेकिन अभी अगर हमें ये पता चल जाए भाई हमारी एज की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो हमारा लोन रिजेक्ट भी नहीं होगा, फालतू की सिविल में कोई इंक्वायरी नहीं लगेगी। इस चीज़ को बचाने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एज लिमिट बता देता हूँ। अगर मैं एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपकी एज 21 से लेकर 67 है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि इससे कम अगर आपकी एज है तो शायद आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। बल्कि इसके लिए मैं एक काम करूँगा, डिस्कशन में दूसरे एप्लीकेशन का लिंक डाल दूँगा जहाँ पर अगर 18 आपकी एज है तो भी आप लोन ले पाओगे, छोटा मोटा लोन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, बिना इनकम प्रूफ के भी मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं भाई सिविल स्कोर कितनी जरूरत होगी, भाई अगर सिविल स्कोर होना चाहिए तो सिविल स्कोर आप देख सकते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे 750 या 750 से प्लस है तो आप भाई यहाँ पे अच्छा खासा लोन का अमाउंट ले सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको छोटा लोन यहाँ पे नहीं मिलता, बल्कि बड़े लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आप कम से कम यहाँ पे 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो, यानी कि कम से कम, इसके अलावा आप चाहे 10,00,000 रुपए तक का लोन यहाँ से ले पाएंगे। जैसा कि दोस्तों लोन को अप्लाई करने से पहले मैंने सारी जानकारी आपको शेयर कर दी, अगर आपको लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हो सकता हूँ, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इस तरीके के, अगर आप लोन को अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिल रहा है,
होगा, सिंपल सा आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपनी डिटेल को एंटर करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। डिटेल में आपको क्या एंटर करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर मिसेज जो भी होंगे। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देना है, सर्विसल एरिया डालना है। अगर मेरे एरिया में सर्विस रहेगी तो मेरे को पता चल जाएगा हाँ भाई मैं यहाँ से लोन ले पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे जो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल करके सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही केस में आपको यही सेम डिटेल ही फिलअप करनी पड़ेगी। चलो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करके यहाँ पे सारी डिटेल को मैं फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद जो उसका अगला पेज आता है, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रखा है सेल्फ एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा है सैलरी के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पे सारी डिटेल को फिलअप करना है। जिसमें कि सबसे पहले आपको अगर मान लो आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होती है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद उसके सामने जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है उस बैंक का नाम यहाँ पे सर्च करके उसको एंटर कर लेंगे। इसके बाद जो आपकी सैलरी आती है वो बैंक में डिपॉजिट होती है, कैश से आती है, चेक से आती है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपसे पूछा था भाई आपको लोन की जरूरत है कितनी, अपना यहाँ पे अकॉर्डिंग डालें भाई मुझे 2 लाख की, 1 लाख की या जितने की लोन की जरूरत होगी। इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे भाई आप इस लोन को कितने समय तक के लिए लेने वाले हो। कैलकुलेटर के माध्यम से उसके सामने आपको सारी जानकारी मिल जाएगी भाई लगभग कितना महंगा कितना सस्ता पड़ेगा। हालांकि जब फाइनल अप्रूवल आएगा उसके बाद चलता है भाई आपको कितना महंगा पड़ रहा है कितना सस्ता पड़ रहा है, अभी मैं आपको उसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कुछ गलती हो गई है तो आप इसको बैक जा सकते हो। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है सिंपल आपके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हो जाए थैंक यू फॉर अप्लाई पर्सनल लोन। इसमें होगा क्या कि भाई आपका अप्लाई का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि जो मिथुन फाइनेंस है इनकी टीम की तरफ से आपके पास कॉल आएगी और आपसे सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएगी, मतलब आपने लोन के लिए अप्लाई किया, कितने लोन के लिए अप्लाई किया। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है आप वहाँ भी पूछ सकते हो, चाहे सैलरी के बारे में, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयर के बारे में, चाहे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कोई भी डाउट होता आप उनसे भी बात करके डिस्कस कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑनलाइन जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपकी तरफ से खुद फॉलो करेंगे कि आप सारी जानकारी देखने के बाद कि आपको कितने का लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी जानकारी आपको वहां से मिल पाएगी जब इनकी तरफ से कॉल आएगा और आप उनसे सारी चीजें पूछ भी सकते हो जो भी आपको डाउट रहेगा। सो ये तो तरीका हो गया आपका ऑनलाइन का। अगर आप ऑफलाइन जानना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, अपने आसपास में जो भी मिथुन फाइनेंस की ब्रांच होगी वहां पर जाकर के आप उनसे बातचीत कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स बारे में आप पूछ सकते हो, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट आप उनको बता सकते हो, उसके आधार पर आपको बता देंगे भाई कितने का लोन कब कैसे किस तरीके से मिल सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने पड़ेंगे। आपका ऑफलाइन तरीका तो कुछ ऐसा हो सकता है। वहीं अगर आपने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे चेक एप्लीकेशन के स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर चाहे डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का ट्रैकिंग कर सकते हो, या फिर अपने पैन कार्ड का नंबर डाल करके यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करके आप अपने यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस को चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो मैंने आपको बताया कि मुथूट फाइनेंस की तरफ से आप लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बड़ा क्लियर कट में आपको मैंने स्टार्टिंग बताया, अब भी बताया, अगर आपके पास सैलरी है, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, आपका सिविल ठीक ठाक है तो ही आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करिएगा। और लोन का अमाउंट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी 100 बात की एक बात यही कहना चाहूंगा, लोन तो लेना ही चाहिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तभी लोन के लिए ट्राई करिएगा। अगर इनकी तरफ से कोई कॉल आती है तो आप उनसे सारी चीजें पहले डिस्कस कर लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तब जाकर के आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा आप उसको कंप्लीट करिएगा। फिलहाल डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।